और सभी हमारा सम्मान मंच और मेरे सामने उपस्थित जनता जनार्दन एक प्रकार का विधानसभा ही हम कह सकते हैं, क्योंकि हमारे दोनों प्रतिनिधि बैठे हुए हैं। हमने बारी बारी से हमारी समस्याएं सुनाई और ये हमारे लिए बहुत बड़ा गर्व का विषय है कि दोनों विधायक मेरे ख्याल से अपनी बातें नोट भी कर रहे हैं और ये बातें उठेगी। और मुझे एक आदेश हुआ है कि मैं बेरोजगार और शिक्षा को लेकर बात करूं, तो माननीय विधायक महोदय हम जिस प्रकार देखे हैं मध्य प्रदेश को अगर कभी कई वैसे तो कई नामों से जाना जाता है, हृदय प्रदेश, दिल का प्रदेश या कई प्रदेश बोला जाता है, लेकिन एक नाम मध्य प्रदेश का ये भी रखना चाहिए कि बेरोजगारों का प्रदेश। इस देश में प्रदेश में पिछले 28 सालों से जब से भाजपा की सरकार हुई, इस पार्टी की बात नहीं है, लेकिन 18 सालों से कम इस प्रदेश में पूरे बेरोजगार लोगों को रखा गया है। यहाँ पर जितने माता पिता बैठे हुए, आपका बच्चा अगर खेत में आज काम कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं सरकारों की नाकामी रही है, उनको रोजगार देने में नाकाम रही है, इसलिए हमारा बेटा और बेटी आज खेतों में मजदूरी करने में मजबूर है। मैं चाहता हूँ दोनों विधायक महोदय से कि सरकार के कम से कम आंखों में आकर डाल कर बोले माननीय हीरा लाला जी, माननीय राजन मंडल जी, कि यहाँ पर 22 साल से बेघरों पदों की भर्ती नहीं की गई, 1,68,420 पद खाली है हमारे बच्चों के। अगर कभी वो पद भर दिए जाते तो नेताओं की रैली में घूमने के लिए युवा नहीं मिलता, वो कहीं आपको रोड पर सफल तो घूमता युवा नहीं मिलता, लेकिन उन्होंने जान बुझ कर उन युवाओं का भविष्य खराब किया। पहले तो हमारी पहली से लगाकर नौवीं तक हमारे बच्चों की शिक्षा को खत्म कर दिया, तोड़ दिया, बिना उनको नंबर के पास कर देना, उनको ऐसे पास कर देना, स्कूल जा रहा है नहीं जा रहा है, कहीं पे कुछ भी कर रहा है, उसको पास करके उसकी बेसिक शिक्षा को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। आज भी नौवीं तक आया, उसने दिन रात मेहनत करी। आज भी मध्य प्रदेश में आप लोगों को आंकड़ा बताना चाहूंगा, हमारे यहाँ इंदौर सबसे बड़ा एजुकेशन हब है। आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मेरी भास्कर की रिपोर्ट है ये कि इंदौर जिले में इंदौर संभाग में जब तो हमारे और आपके बच्चे पढ़ने जाते हैं, वहाँ एक सप्ताह में कम से कम 3 बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। ये इंदौर की घटना बता रहा हूँ जहाँ पर हमारे बच्चे जा रहे हैं, और उन बच्चों को ये नहीं बोला जाता है ये किस लिए बेरोजगार इसलिए मारा, एग्जाम में फेल हुआ इसलिए मारा, उसको किसी किसी भाई से ये सरकार बोलती है कि इस चक्कर में मरा है, ये लड़की को पढ़ा होगा, ये लड़की मरी तो उसका न मरा, लेकिन आपको ये नहीं पता जाता कि आपके बच्चे पर कितना बड़ा बोझ है समाज का, माँ बाप का, वो यार दोस्तों का बोझ है जो बच्चा सहन नहीं कर पाया है। जब एक बच्चा पूरी पढ़ाई करता है, रात दिन मेहनत करता है, उसके बाप को देखता है, उसकी माँ को देखता है, काम करते हुए वो इतनी मेहनत करने के बाद भी उस बच्चे से दिन रात मेहनत करता है, वो मालूम पड़ता है कि पद तो खाली है 10,000, लेकिन भर्ती निकल 4,000 पद के 10,00,000 आवेदन आए, वो 10,00,000 आवेदन आने के बाद जब मालूम पड़ता है कि किसी भाजपा के विधायक सांसद के कॉलेज के द्वारा उस भर्ती में घोटाला कर दिया गया है। आप इमेजिन करके देखिए, आप सोच के देखिए, आपने पूरी जिंदगी दांव पे लगा दी, आपके बच्चे भी वो मरे नहीं तो क्या करें। ये हमारे और आपके बच्चों के साथ हो रहा है, मैं दोनों विधायक महोदय से कहना चाहता हूँ, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इतना बड़ा मुद्दा है कि हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारी जनरेशन खत्म कर दिया गया। आज हमारा बच्चा कहते हैं ये बच्चा नहीं पढ़ा है, ये बेरोजगार घूम रहा है, कैसे घूम नहीं, हमारे बच्चे को तकलीफ है, हमारे बच्चे को दुख दर्द है, क्योंकि हम लोगों ने भेड़ बकरे चलाकर ढोल ढोल चलाकर पढ़ाई करी है, हमको तकलीफ है। अगर हम आज बेरोजगार है तो कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है। ये आंकड़ा नोट करके आते चाहिए आप लोग कि ये भर्तियां क्यों नहीं निकाली। आज पुलिस में इतनी भर्तियां हुई है, पुलिस में सरकारी मार्ग में 11-11 साल में 12 साल में मानव वर्ग 3 में भर्ती है, वर्ग 2 में भर्ती है, माफ करके जिन विद्यालयों में जहाँ हमारे बच्चों को पढ़ाया जाता है, आज उन स्कूलों में टीचर नहीं है, 12 साल में जब भर्ती आती है तो सोचे क्या हालत होना चाहिए हमारी शिक्षा की और हमारे बच्चों की। ऐसा नहीं है कि रोजगार नहीं है, रोजगार भरपूर है, लेकिन कोई कहने वाला नहीं है और कोई सुनने वाला भी नहीं है। कहने वाला तो क्या हो जाता है, वो उसको करना चाहिए बेचारा, और उसका ध्यान पूरा पढ़े रहता है, रात दिन पढ़े और आखिरी में एंड टाइम पर देखा जाता है बेटा माँ कुछ नहीं हुआ क्या था।
तो आखिर में कंपनी दिखती है, कंपनी खेत में छोटा मोटा काम करके अपने आप को ये सोच लेता है कि मेरे में ही कहीं कहीं कमी हो गई, मेरी ही कहीं कहीं पढ़ाई में कमी हो गई, ये सोच के वो भूल जाता है। तो साथियों मेरी आपने बात सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आशा करता हूँ कि बेरोजगारी के मुद्दे पर, शिक्षा के मुद्दे पर हमारे प्रतिनिधि आवाज उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, इंकलाब जिंदाबाद। बहुत ही दर्दनाक बात बड़ोली जी ने रखी है और